नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो के थ्रू आप लोग को अपडेट किया था कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दो याचिकाएं, एक माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी लखनऊ बेंच में दायर की जा चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि कट ऑफ को लो करते हुए 33% और 30% के अकॉर्डिंग रिजल्ट को फिर से जारी किया जाए या फिर पूरी भर्ती पर स्टे लगा दिया जाए। दोस्तों, इसके संदर्भ में कल दिनांक 27 अगस्त 2018 को दोनों कोर्ट में इसके लिए सुनवाई की गई और अगली सुनवाई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 अगस्त को होनी है। और वहीं मैं बात करूं लखनऊ बेंच की, तो उसकी अगली सुनवाई आज ही यानी कि दिनांक 28 अगस्त 2018 को थी। क्या हुआ पूरे कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, पूरा देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लखनऊ बेंच के माननीय जज स्टार्टिंग से ही 45% और 40% के ही फेवर में दिखे और उन्होंने यह सवाल उठाया था कि आप देश के निर्माता का चयन 30% और 33% पर नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए विशेष सचिव को तलब किया था उनसे यह जानने के लिए कि जब नोटिफिकेशन में पहली बार कट ऑफ को 45% और 40% के अकॉर्डिंग सेट किया गया था, तो फिर बीच में आपको 33% या फिर 30% लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, उसी के आगे आज कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और माननीय जज के समक्ष विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी की मुख्य सचिव दोनों उपस्थित हुए। दोस्तों, उसके बाद से माननीय जज ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया और उन लोग से जानने की इच्छा जताई कि आखिर आप लोग को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि बीच में आप लोग को कट ऑफ लो करना पड़ा। दोस्तों, विशेष सचिव या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुख्य सचिव इसके बारे में कोई भी संतुष्ट उत्तर नहीं दे सके, जिसके बाद माननीय जज काफ़ी गुस्से में दिखे और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस भर्ती पर स्ट्रे नहीं लगाई जा सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने यह जोड़ा कि नियुक्ति का सिलसिला अपना चलता रहेगा और इस केस की सुनवाई चलती रहेगी। दोस्तों, तो लखनऊ बेंच से 30% और 33% वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है, या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो अब जो भी नज़र है वह माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली 30 अगस्त की उस सुनवाई पर टिकी हुई है, जिसमें हो सकता है कि उनके फेवर में कुछ फैसला आ जाए, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, करियर बिट की यह फैमिली किसी भी वर्ग विशेष के साथ नहीं है, ना ही 33% और 30% वाले कैंडिडेट और ना ही 45% और 40% वाले कैंडिडेट के साथ है। बस निष्पक्ष तरीके से जो भी घटनाएं चल रही हैं उन सभी को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पर। धन्यवाद।